हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फीटल मूवमेंट काउंट के बारे में। फीटल मूवमेंट काउंट एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें जो फीटस होता है उसके मूवमेंट को काउंट करते हैं। जैसा कि नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, फीटल मतलब कि जो फीटस है यूट्रस में, मूवमेंट मतलब उसकी गतिविधि, और काउंट मतलब गिनना, काउंट करना। तो जो फीटस होता है उसके जो मूवमेंट्स होते हैं उसी को हम काउंट करते हैं इस एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन जो होता है फीटल मूवमेंट काउंट, इसकी जरूरत कब पड़ती है। फीटल मूवमेंट काउंट की जरूरत पड़ती है जब भी लेट प्रेगनेंसी होती है, लेट प्रेगनेंसी, उस समय ही फीटल मूवमेंट काउंट की जरूरत पड़ती है। तो इसको सिंपली कह सकते हैं हम असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। मीन्स कि जब लेट प्रेगनेंसी होती है तो उस समय जो फीटस होता है उसके बेल विंग को असिस्ट करने के लिए हम फीटल मूवमेंट काउंट एग्जामिनेशन करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि जो फीटल मूवमेंट होता है उसमें फर्स्ट फीटल मूवमेंट कब होता है। फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो होता है वो 50% फीमेल जो होती हैं वो 16 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में ही फील कर लेती हैं। मतलब अगर प्रेगनेंसी को 16 वीक हो गए हैं तो उसी समय 50% जो वुमेन्स होती हैं उनको फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होता है, जिसको मेडिकली टर्म में कहते हैं क्विकनिंग। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है कि जो क्यूकनिंग है इसका मतलब क्या होता है। तो क्यूकनिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील्ड बाय मदर। तो मदर के द्वारा जो पहला फीटल मूवमेंट होता है उसको फील करना ही क्यूकनिंग कहलाता है। साथ ही अगर जो फीमेल है वो प्राइमिंग ग्रेविटा है, मतलब उसने अगर पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है तो उसको 25 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में फील होगा कि जो फीटस है उसका मूवमेंट हो रहा है। तो अगर प्राइमरी ग्रेविटा है तो जो फीमेल होगी जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है उसको 25 वीक पर जो फीटस होगा उसका मूवमेंट फील होगा। और अगर मल्टी ग्रेविटा है तो 18 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज पर उसको जो फीटस होगा उसका मूवमेंट फील होगा। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है वो 50% जो फीमेल्स होती हैं वो 16 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में फील कर लेती हैं, लेकिन अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो वो 25 वीक पर जो फीटल मूवमेंट होता है उसको फील करती है, और अगर मल्टी ग्रेविडा है तो 18 वीक पर वो फीटल मूवमेंट को फील करती है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि जो फीटल मूवमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फीटल मूवमेंट, तो इसमें फर्स्ट है फ्लूटर्स किक्स। फ्लूटर किक्स क्या होता है, इसमें जो बेबी होता है वो एक फ्लूटर मतलब होता है स्पंदन, मतलब एक वाइब्रेशन की तरह जो बेबी होता है वो मूव करता है। तो जो फीमेल होती है उसको ये आभास होता है कि जो फीटस है वो मूवमेंट कर रहा है। और जो फ्लूटर्स किक्स होता है ये हमेशा जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वहीं पे अधिकतर फील होता है। मतलब 60% जो फ्लूटर किक्स होता है वो लोअर सेगमेंट जो यूट्रस का होता है वहां पे फील होता है। एंड सेकेंड है स्विस किक। स्विस किक क्या होता है, इसमें जो बेबी होता है वो ऐसे मूव करता है जैसे वो फ्लोटिंग कर रहा है। तो जो फीमेल होती है उसको एक सरसराहट लाइक फील होता है या उसको ऐसा महसूस होता है कि कुछ तैर रहा है उसके यूट्रस में। तो ये भी वन टाइप का फीटल मूवमेंट्स होता है। एंड थर्ड है रोलिंग किक्स। रोलिंग किक्स में क्या होता है कि जो बेबी होता है वो पूरे होल यूट्रस में मूव करता है, मतलब रोल करता है, तो इसी को बोला जाता है रोलिंग किक।
तो ये थ्री किक्स हैं जो अधिकतर जो फीमेल्स होती हैं उनमें फील किया जाता है। लेकिन ये जो किक्स होते हैं मतलब बेबी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो कब होते हैं, देखिए सबसे अधिक मोर फीटल मूवमेंट जो होता है वो 9 PM से लेके 1 AM तक होता है। मतलब सबसे अधिक जो फीटस होता है वो एक्टिव कब रहता है, 9 बजे रात से लेके 1 बजे रात तक। ये जो टाइमिंग दी गई है ये सबसे अच्छी टाइमिंग होती है अगर हमको फीटस के मूवमेंट का काउंट करना है तो, क्योंकि इस समय जो फीटस होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि जो फीटस मूवमेंट काउंट होता है इसके मेथड क्या होते हैं। मेथड्स ऑफ फीटल मूवमेंट काउंट, फर्स्ट मेथड देख लेते हैं जो है डेली फीटल मूवमेंट काउंट। डेली फीटल मूवमेंट काउंट में क्या करते हैं कि जो फीमेल होती है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव किया और उसकी लेट प्रेगनेंसी हो गई है उसको हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो 3 टाइम जो बेबी है उसका मूवमेंट काउंट करे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मॉर्निंग में 1 आवर फीटल का मूवमेंट काउंट करे कि 1 आवर में कितनी बार उसका जो फीटल है वो मूवमेंट किया है। आफ्टर देन आफ्टरनून में भी 1 आवर वो फीटल मूवमेंट को काउंट करे एंड उसके बाद इवनिंग। तो ये 3 टाइम जो है जो फीमेल होगी वो फीटल मूवमेंट को काउंट करेगी। अगर मॉर्निंग में 1 आवर उसने फीटल मूवमेंट काउंट किया और जो फीटस है वो 4 टाइम उसने मूवमेंट किया तो वो यहाँ पे काउंट कर देगी। और अगर आफ्टरनून जो फीटस है उसने 1 आवर में 3 टाइम मूवमेंट किया तो वो यहाँ पे काउंट लिख देगी। एंड इवनिंग टाइम अगर 1 आवर में बेबी ने 4 या 3 टाइम, 4 ही मान लेते हैं कि टाइम उसने मूवमेंट किया तो यहाँ लिख देगी। तो एक बात और कि जब भी फीमेल जो होती है वो फीटल मूवमेंट काउंट के लिए बैठेगी या फिर लेइंग डाउन होगी उस समय हमेशा वो अपने साथ पिन और डायरी रखेगी जिससे वो जो मूवमेंट्स हैं बेबी के उनको लिख सके। तो यहाँ पे हमने 3 आवर्स ले लिया और ये हमने टाइमिंग को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग। तो 3 आवर्स में जो काउंटिंग जो मूवमेंट आए उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो 4 और 3 7 and 4 11 कितने काउंट हुए हमारे, 11 फीटल मूवमेंट काउंट आया। अब कितने आवर में, 3 आवर्स में। तो 3 आवर्स में 11 बार बेबी मूवमेंट कर रहा है। अब इसका नॉर्मल जो रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए फीटल मूवमेंट का, तो जान लेते हैं 1 आवर में 5 टाइम बेबी मूवमेंट करना चाहिए। ये नॉर्मल रेशियो होता है कि 1 आवर में जो बेबी होता है वो कम से कम 5 टाइम मूवमेंट उसका होना चाहिए। या यहाँ देखा कि जो बेबी है वो 3 आवर्स में 11 बार फीटल मूवमेंट उसका आ रहा है। तो क्या करेंगे इसको हम 1 आवर में निकालने के लिए जो 11 है इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 1 आवर हमको मिल जाएगा। तो 3 3 9 एंड यहाँ पे बच्चा कैरी 2। तो इसका मतलब है कि लगभग 3 टाइम्स जो बेबी है वो मूवमेंट कर रहा है 1 आवर में, जो कि बेबी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, चूंकि हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि 1 आवर में कम से कम 5 टाइम बेबी मूवमेंट होना चाहिए। अगर 5 टाइम से कम है तो ये बेबी के लिए हेल्दी नहीं है और मदर के लिए भी हेल्दी नहीं है। वैसे ही लेट प्रेगनेंसी हो रही है फीमेल की, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फीमेल को तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसका सेकेंड मेथड है कार्डिफ काउंट 10th फार्मूला। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है वो बस 1 टाइम ही फीटल मूवमेंट को काउंट करती है। सपोज दैट कि अगर फीमेल्स ने 8 AM फीटस मूवमेंट को काउंट किया और उस समय जो फीटस मूवमेंट है वो 4 है। अगर फीटस मूवमेंट 4 है तो हमने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल जो फीटस का मूवमेंट है वो 1 आवर में 5 मूवमेंट उसके होने चाहिए। तो अगर 4 आ रहा है, अगर वहीं पे 4 की जगह पे 6 आ रहा है 7 आ रहा है तो
बहुत ही अच्छा है, मतलब जो फीटस है वो उसका मूवमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ये लेट प्रेगनेंसी है, तो अगर यहाँ पे 6-7 के बजाय 4 आ रहा है मूवमेंट काउंट, तो जो फीमेल्स होती है उसको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इस तरह से जो फीटल मूवमेंट है उसको हम काउंट करते हैं और जो लेट प्रेगनेंसी है उसकी कंडीशन को असेस करते हैं। एक एसोसिएशन है जिसका नाम है अमेरिकन कांग्रेस ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा ACOG। तो जो ये ACOG ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा निर्धारित किया गया है कि जो फीटल मूवमेंट काउंट होता है वो एवरी 2 आवर्स में 10 फीटल मूवमेंट्स काउंट होना चाहिए। मतलब जो फीटस है, अगर लेट प्रेगनेंसी है फीमेल की, तो जो फीटस है वो 2 आवर्स में 10 बार मूवमेंट उसको करना चाहिए, ये आइडियल है। तो ये तो अमेरिकन कांग्रेस ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो एसोसिएशन है उसके द्वारा रखा गया है, और जनरली जो हमने बुक्स में पढ़ा हुआ है उसमें दिया गया है कि जो फीटल मूवमेंट काउंट होता है वो 1 आवर में 5 फीटल मूवमेंट काउंट होने चाहिए। तो बात तो वही हुई, यहाँ पे 2 आवर के लिए इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है और हमने बुक में पढ़ा है 1 आवर के लिए, तो एक ही बात है। तो अगर आप इसको रखेंगे तो भी वही चीज आएगी, अगर आप इसको रखेंगे तो भी वही चीज आएगी। सपोज के एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि अगर किसी फीमेल की लेट प्रेगनेंसी है और उसने फीटल मूवमेंट काउंट किया हुआ है, अगर मान ली 4 आवर में उसने 32 फीटल मूवमेंट काउंट किए हुए हैं, तो 32 फीटल मूवमेंट उसने काउंट किए हुए हैं 4 आवर में, तो अब हमको 1 आवर का निकालना है। तो इसके लिए हम सिंपली कर सकते हैं कि 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 8 जा 32, तो मतलब 8 टाइम फीटल मूवमेंट काउंट आएगा। मतलब 1 आवर में 1 आवर बराबर 8 टाइम फीटल मूवमेंट काउंट, मतलब 1 आवर में जो फीटस है वो 8 टाइम मूवमेंट कर रहा है। और अगर हम इस फार्मूले से देखते हैं तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, जितने आवर्स होंगे, मतलब अगर यहाँ पे 4 आवर्स है तो ये हमने देख लिया कि 4 आवर्स में 32 फीटल मूवमेंट आ रहा है, तो बस 32 लिखना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 16 2 जा 32, मतलब 16 फीटल मूवमेंट काउंट आ रहे हैं एवरी 2 आवर्स में, मतलब 2 आवर्स में 16 फीटल मूवमेंट काउंट आ रहे हैं। तो बात तो वही हुई कि 2 आवर्स में यहाँ 16 फीटल मूवमेंट काउंट आ रहा है और यहाँ पे 1 आवर में 8 मूवमेंट काउंट आ रहा है। अगर 8 को हम डबल कर देंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और 1 की जगह पे 2 आवर हो जाएगा। तो वही चीज है, बस दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर जो 1 आवर्स में जितने मूवमेंट्स हुए हैं उसको काउंट करके हम निकालते हैं जो फीटल मूवमेंट्स काउंट है, तो उसमें जितने आवर्स का हमने फीटल मूवमेंट्स लिया है उतने आवर्स से जितना फीटल मूवमेंट होगा उसको डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम जो एसोसिएशन है, अमेरिकन एसोसिएशन है, उसके द्वारा जो फार्मूला रखा गया है, अगर उसको हम लेंगे तो जितना भी हमारा फीटल मूवमेंट आ रहा है काउंट उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो फीटल मूवमेंट काउंट है उसको हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।